नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती एक बार फिर से सोशल मीडिया के जरिए अपने पूर्व में दिए गए बयान पर अपनी बात रखते सामने नजर आई हैं। दरअसल हाल ही में उमा भारती ने लोधी समाज के कार्यक्रम में जो बातें कही थी उस पर काफी ज्यादा विवाद हो गया था। आलम यह था कि प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने उमा भारती के इस बयान को एक बड़ा मुद्दा बना दिया था और साफ कर दिया था कि उमा भारती कहीं ना कहीं खुले तौर पर अपनी ही पार्टी को चुनौती दे रही हैं। लेकिन अब उमा भारती ने सोशल मीडिया वेबसाइट पर अपने ट्वीट्स की एक श्रृंखला पोस्ट की है और उसमें उन्होंने बताया है कि आखिरकार किस वजह से उन्होंने ये बयान दिया था और किस संदर्भ में उनका ये बयान दिया गया था। हालांकि उमा भारती ने अपने ट्वीट में ये साफ कर दिया है कि उन्होंने जो कहा था वो सही कहा था और इसीलिए वो अपने बयान का खंडन नहीं कर रही हैं, बल्कि उन्होंने ये बयान क्यों दिया था वो ये बता रही हैं। उमा भारती ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं, जिसमें पहला ट्वीट उन्होंने लिखा है कि 25 दिसंबर को लोधी समाज के द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में मैं गई थी। वहां मैंने जो भाषण दिया था उसका एक अंश सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है और अखबारों में भी छप रहा है। उसके खंडन की जरूरत नहीं क्योंकि मैंने ऐसा ही कहा था, लेकिन मेरे भाषण के पहले के कुछ वाक्य बताना जरूरी है, इसलिए ये ट्वीट कर रही हूँ। इसके बाद उमा भारती ने लिखा कि पिछले 2018 मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी कई विधानसभा क्षेत्रों में मेरी सभा से पहले लोधी समाज से कुछ फोन मेरे ऑफिस में आए थे कि दीदी की सभा रद्द कर दीजिए, हम यहाँ के बीजेपी के उम्मीदवार से नाराज हैं। उसी के जवाब में मैंने उस दिन ऐसा बोला था। हालांकि उमा भारती ने आगे लिखा कि ये बात मैंने सार्वजनिक तौर पर पहली बार नहीं लेकिन पहले भी कही है। याद करिए, जब विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार गई थी और कांग्रेस का एक समूह टूटकर हमारे साथ आया था, उसके सहारे हमने सरकार का गठन किया था और मंत्रिमंडल भी बना था, तब भी मैंने सार्वजनिक तौर पर बयान दिया था कि इस मंत्रिमंडल में जाति और क्षेत्र का संतुलन बिगड़ा हुआ है। उमा भारती आगे लिखती हैं कि हिंदुत्व मेरी निष्ठा, भारत मेरा प्राण और संसार के सभी अभावग्रस्त लोग मेरे दिल में बसे हैं। मोदी मेरे नेता हैं, भाजपा मेरी पार्टी है, मैंने कभी भाजपा नहीं छोड़ी, मुझे निकाला गया था, तब मैंने अपने कर्तव्य पथ पर चलते रहने के लिए राष्ट्रवादी विचार की धारा प्रवाह में ही अपना दल बनाया। ये बात उमा भारती ने इसलिए लिखी क्योंकि कांग्रेस ने ये साफ कहा था कि उमा भारती को भाजपा साइडलाइन करती है। इसके बाद उमा भारती ने लिखा कि उस समय भाजपा के अध्यक्ष नितिन जी के निमंत्रण पर, जिसका मोदी जी ने भी समर्थन किया था, भारतीय जनशक्ति का भाजपा में विलय करते हुए मैं भाजपा में दोबारा आ गई। उमा भारती ने इसके बाद कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए लिखा कि कांग्रेस को हमारे बीच में आने की जरूरत नहीं है, मुझे भाजपा साइडलाइन नहीं करती, मेरी अपनी एक सीधी लाइन है और मैं उसी पर चलती हूँ। स्वयं का मोक्ष एवं जगत का कल्याण, सूर्य की रोशनी, चंद्रमा की चांदनी, हवा का झोंका, फूलों की सुगंध, नदी की तरंग और शक्कर की मिठास, ये कभी साइडलाइन नहीं होते क्योंकि अंदर बाहर सब तरफ रचे बसे होते हैं। उमा भारती ने ये ट्वीट इसलिए दिया क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से बयान दिया था लोधी समाज के कार्यक्रम में, उसके बाद साफ तौर पर कई ऐसी चीजें आ गई थी जिसके बाद उमा भारती पर जमकर हमला बोला जा रहा था, लेकिन उमा भारती के इस बयान को निशाना बनाकर प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर था। बीते करीब दो दिनों से भाजपा के नेता उमा भारती के इस बयान पर कुछ भी कहने से बच रहे थे, लेकिन देखना यह है कि उमा भारती ने अपनी बयान का खंडन तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये जो बातें लिखी है कहीं ना कहीं उनके अपने दिल की निकली हुई बातें हैं जो उन्होंने सोशल मीडिया वेबसाइट ट्विटर के जरिए सबके सामने एक बार फिर से रखी है।